त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय पर सोमवार को मणप्पुरम गोल्ड लोन दफ्तर में हुई लूट के मामले में आज चूरू एसपी नारायण टोगस ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। एसपी ने बताया कि उक्त घटना को अंजाम देने वाला मुख्य सरगना एनएसजी का बर्खास्त कमांडो रणजीत सिंह था, जिसने लूट की साजिश रची थी। उक्त मामले में पुलिस ने पंजाब के मोहाली निवासी हनीश ठाकुर व यूपी निवासी शादाब को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से लूटा गया 25 किलो सोना व 6 लाख नकद भी बरामद कर लिए हैं। उक्त मामले में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। फरार आरोपी कमांडो रणजीत सिंह व अमजद की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। देखिए, जिस प्रकार से बड़ी लूट हुई थी, उससे ज़्यादा भी तत्परता से पुलिस ने एक्शन लेते हुए मुलजिमों को गिरफ्तार किया, जो माल का बरामद किया। मैं आपके चैनलों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये जो मुलजिम जो गिरफ्तारी हुए, उसके अंदर इंटरस्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल पेश हुआ है। हिसार पुलिस एसपी और नू पुलिस एसपी का और उनकी टीम का विशेष तौर से योगदान था। मैं और मेरी जो पुलिस की जो टीम थी, लगातार उनसे संपर्क में थे, और जैसे ही लोकेशन आई मुलजिमों की, हमारी डीएसटी टीम, हमारे एसएचओज, हमारे सीओज और एडिशनल एसपी और मैं स्वयं मुलजिमों का पीछा किया। लोकेशन के आधार पर हमने हमारी जो उनकी लोकेशन थी हिसार पुलिस को शेयर की, और आखिर में जाते हुए हिसार से 50 किलोमीटर आगे सिसला चौक पे मुलजिमों को धर दबोचा और दो मुलजिम फरार हो गए, दो मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। जितना भी माल था, सोना, रुपए और वेपन, सारे बरामद कर लिए। ये इतना तुरंत एक्शन हुआ कि 3 घंटे के अंदर, वारदात के बाद में 3 घंटे के अंदर हॉट पर्सूट के अंदर मुलजिमों का पीछा करते हुए पुलिस ने बहुत ही शानदार काम किया। और मैं यहाँ आपके माध्यम से हरियाणा पुलिस को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इंटरस्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन का बहुत ही शानदार उदाहरण पेश किया। इस संबंध में हमारे डीजीपी साहब ने भी डीजीपी हरियाणा से बात करके वहाँ के पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। बहुत ही अच्छा कार्य हुआ। वारदात के अंदर 4 मुलजिम थे, जो 2 मोटरसाइकिलों पर 2-2 जने आए थे, जिसके अंदर 2 मुलजिम हैं, एक शाहबाद जो मुजफ्फरनगर का है, एक हनीश ये माहौली पंजाब का है, ये गिरफ्तार हुए। इन दोनों के खिलाफ करीब 16-17 मुकदमे मर्डर और लूट के दर्ज हैं। और अभी रिसेंटली नवंबर और मार्च के अंदर इन्होंने सहारनपुर और अमृतसर में सुनारों के वहाँ 2 बड़ी लूट की है, 80 लाख की और 20 लाख की। इस प्रकार से और 2 जो फरार हैं, एक रणजीत और फौजी और एक अमजद, अमजद मुजफ्फरनगर का है, रणजीत फौजी पटियाला का है। रणजीत फौजी एनएसजी का बर्खास्त कमांडो है और वो ही सबका मास्टरमाइंड है। इसने ही 12 तारीख को इनको कॉल करके एक जगह इकट्ठा किया अम्बाला में, वहाँ से ये रवाना होके ये हुंडई कार के अंदर इन्होंने एक मोटरसाइकिल राजगढ़ से चोरी करी है, दूसरी मोटरसाइकिल चूरू से चोरी करी, उसके बाद में वापस ये हिसार गए। 13 को मॉर्निंग, 14 को मॉर्निंग में ये वापस यहाँ आए। गाड़ी जो इनकी हुंडई थी, ये शहर के बाहर में खड़ी की, वहाँ से ये मोटरसाइकिल वापस अपनी पिकअप की ऑटो से आए, अपनी मोटरसाइकिल के पास में मोटरसाइकिल को उठाई, घटनास्थल पर गए, काफ़ी देर तक रेकी की, जब तक वहाँ के जो ग्राहक हैं वो बिल्कुल कम नहीं हो जाए, वो इंतज़ार किया। और 3-1 बजे के आसपास में जैसी ग्राहकी बिल्कुल ही कम हुई, उस फिर वो एंटर किए, ग्राहक बन के एंटर किए, और एंटर करने के 2 मिनट बाद में हथियारों के नोक पे जो भी वहाँ पर कर्मचारी थे उनको ओवरटेक किया और सारा माल लेके विद इन 15 मिनट माल लेके फरार हो गए थे। चूरू पुलिस गिरफ्तार दोनों आरोपियों को लेकर देर रात हरियाणा से चूरू पहुंची। पुलिस ने उनके कब्जे से सोना व कैश के साथ काम में ली गई 4 पिस्टल और चाकू भी बरामद कर लिए हैं। वारदात के 3 घंटे बाद ही पुलिस ने हिसार के पास सिरसला चौक से 2 आरोपी को धर दबोचा। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार आरोपियों पर कई आपराधिक मामले विभिन्न थानों में पहले से दर्ज है। जो ये मणप्पुरम गोल्ड लोन वाले हैं, इन्होंने स्टार्टिंग के अंदर 25 किलो सोना जाने का बता रहे थे, और बाद में इन्होंने FIR दर्ज कराई है, 15 किलो की कराई है और 5 लाख रुपए की कराई है। अब जो ये इन्होंने जो उनकी इन्वेंट्री चेक करके ये बता रहे हैं कि हमें हमारे 22 किलो सोना और 5-1 लाख रुपए गए हैं। जो मुलजिमों से जो बरामदगी हुई है, जो मैं बैग का जो हमने वेट किया है, वो वेट करीब 24 किलो 550 ग्राम है, और जो बैग हटाने के बाद में उनका जो वेट है वो 22 किलो और कुछ है, जो इनसे जो इन्वेंट्री है उसे मेल खा रहा है। इस प्रकार से जो
100% रिकवरी करना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारी पुलिस के लिए। 4 पिस्टल भी बरामद किए मुलजिमों से और जो 5 लाख रुपए हैं वो भी बरामद किए, 2 चाकू बरामद किए, 2 मोटरसाइकिल जो अपराध में यूज हुई है वो भी बरामद की है और 1 हुंडई i20 कार जिससे ये लेके जो रास्ते में चेंज कर ली थी उसको भी बरामद कर लिए। इस प्रकार से हमारी पुलिस ने इतनी तत्परता से इतना अच्छा काम किया कि मैं समझता हूँ आज तक के इतिहास के अंदर ये चूरू पुलिस का बहुत ही शानदार काम रहा है, सारा माल बरामद कर लेना और मुलजिम को गिरफ्तार कर लेना। वहीं इस घटना को लेकर चूरू एकता मंच ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि कल जिला मुख्यालय स्थित मणपुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी में लूट की घटना हुई तथा शहर में आए दिन मारपीट, डकैती, गोली चलना, अपहरण जैसी अप्रिय घटना होती रहती है जो आगे भी हो सकती है। मंच के जिलाध्यक्ष विनोद राठी ने बताया कि चोरी रोकने हेतु जगह जगह दिखावे हेतु सीसीटीवी कैमरे के पोल लगाए गए हैं लेकिन किसी पर भी कैमरा नहीं लगाया गया है और जहां कैमरे लगे हैं वे खराब अवस्था में पड़े हैं। भविष्य में ऐसी घटना से बचने हेतु चूरू शहर के सभी मार्गों पर कैमरे लगाने हेतु व बंद पड़े कैमरे चालू करवाने हेतु चूरू एकता मंच एवं जन कल्याणम ट्रस्ट ने आज चूरू कलेक्टर महोदय को यह ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर अनेक लोग उपस्थित थे। जिला प्रतिनिधि मंडल माननीय कलेक्टर महोदय से मिलकर चूरू में जो आपराधिक गतिविधियां हो रही है उस पर रोक लगा दें और शहर के मुख्य मार्गों पर जो कैमरे लगाने के लिए पोल लगाए गए हैं उन पर कैमरे लगाए और जो कैमरे खराब पड़े उनको चालू करवाया जाए। कल चूरू में एक बहुत बड़ी घटना हुई, मणिपुरम गोल्ड लोन कंपनी से 25 किलो सोना और कल लगभग 8-9 लाख रुपये नकद लेकर जो घटना हुई ऐसी घटनाएँ भविष्य में दोबारा ना हो इसी विषय में आज हमने कलेक्टर महोदय को अवगत कराया है। हमें विश्वास है कि कलेक्टर महोदय जल्दी इस विषय में कोई जल्द निर्णायक निर्णय लेंगे। सरदार शहर के मेड क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज, स्वर्णकार युवा मंडल, सोनी परिषद, भारतीय स्वर्णकार परिवार महासंघ राजस्थान, सावित्री शक्ति परिवार, सावित्री शक्ति ट्रस्ट, कोटड़ी धाम आदि संगठनों के पदाधिकारियों ने आज गृह मंत्री के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपकर पूजा सोनी के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। उन्होंने ज्ञापन में लिखा है कि पूजा को न्याय मिले। इस अवसर पर मोहनलाल ढल्ला, सोनी परिषद के अध्यक्ष चंपालाल झींगा, सावित्री शक्ति परिवार के बनवारी भामा सहित दर्जनों लोगों ने SDM कार्यालय के आगे जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया तथा चेतावनी दी कि यदि पूजा सोनी के परिजनों को इंसाफ नहीं मिला तो स्वर्णकार समाज बड़ा आंदोलन करेगा। नाम अमित शाह के नाम SDM के मार्फत से ज्ञापन दिया गया और स्वर्णकार समाज मांग की है कि दिनांक 7 को पूजा सोनी जो कि दिल्ली में आत्महत्या कर ली थी और बताया जा रहा है कि उन्हें फांसी लगाई थी लेकिन मौके पर जो सबूत इकट्ठा किए गए हैं जो वारदात दिख रही है उसके हिसाब से पूजा सोनी ने आत्महत्या नहीं की है और उसके साथ मारपीट या झगड़ा जो भी हुआ है और उसको आत्महत्या के लिए जो भी है हत्या देखते वैसे लग रहा है कि उसकी हत्या की गई है। समाज है तो आज प्रशासन से निवेदन करना चाहता है कि उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और उनको फांसी की सजा की जाए। प्रशासन यहाँ का प्रशासन तो हमें कोई आश्वासन, वो तो कह रहे हैं यहाँ से भेज देंगे, आखिर तो दिल्ली से काम होना है और हमारी ये डिमांड है कि भी पूजा को ये आत्महत्या नहीं हत्या है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। देखिए ये न तो स्वर्णकार समाज का इश्यू है, न ये किसी ब्राह्मण समाज का इश्यू है, यह सर्व समाज का इश्यू है। भगवान करे ऐसी घटना किसी के साथ न घटे। ये एक संयोग है कि पूजा सोनी नाम से यह घटना घट गई। बाकी ये हमारे साथ में करनी सेना भी है, जाट सभा भी है, नारायण सेवा, नारायणी सेवा भी है जी। यहाँ पर सर्व समाज के लोग इकट्ठा है, सोनी समाज ही नहीं है, केवल करनी सेना के भी सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि यह पूजा सोनी शब्द हटा के केवल पूजा को जो कि हर समाज की हर वर्ग की बहन बेटी है उसको आगे भविष्य में ऐसी कोई तकलीफ ना हो उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और ये सामने अंधे आदमी को भी पता है कि यह आत्महत्या नहीं है, यह मर्डर है। वो आत्महत्या करने के लिए दिल्ली नहीं गई थी, आत्महत्या करनी होती तो वो यहीं पे कर सकती थी। दिल्ली केवल उसको पहुंचे हुए 15 मिनट हुए, इतनी देर में उसने आत्महत्या भी कर ली। उसके पति दूध लेने भी चला गया, दूध लेकर वो वापस भी आ गया। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी वहीं पर मौजूद है। किसी प्रकार का कोई क्लू नहीं मिला है आत्महत्या का और हत्या के क्लू बहुत मिले हैं, जैसे गर्दन का टूटना है, गले में दो निशान है, वो सब इंगित कर रहे हैं कि ये हत्या है।
आजकल आर्थिक युग है, कहीं कोई ऐसा नहीं होता है, इसलिए सर्व समाज और स्वर्णकार समाज और अन्य समाज मिलकर ये आंदोलन चला रहे हैं। जो होना है वो दिल्ली से होगा, लेकिन यह आंदोलन करने का मकसद है कि ये जो खबरें हैं पल पल की वो दिल्ली तक पहुंचे और दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरान जो ये नारा देते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, अगर ये बेटी नहीं बच सकी तो फिर ये स्लोगन बेकार है। वही रतनगढ़ क्षेत्र में भी पूजा हत्याकांड मामले के दोषियों के विरुद्ध लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां सोमवार को दोपहर स्वर्णकार समाज व कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी शिवपाल जाट को अलग अलग ज्ञापन दिए। वहीं सोमवार देर शाम आक्रोश रैली निकाल कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गयी। युवा नेता कुंदन पारिक के नेतृत्व में शीताल वाले बालाजी मंदिर से रैली निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होती हुई घंटाघर पहुंची, जहां पर कैंडल जलाकर पूजा को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पारिक, संजना भामा, धनराज इंदौरिया आदि ने अपने विचार प्रकट किए। वक्ताओं ने पुलिस प्रशासन से पूजा के हत्यारों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर विजय इंदौरिया, राधेश्याम सोनी, सुनील इंदौरिया सहित कई महिलाएं व बालिकाएं उपस्थित थी। चूरू रेलवे स्टेशन पर आज समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया ने कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम व कोरोना टीकाकरण जन जागृति अभियान के तहत स्टेशन मास्टर हरफूल सिंह पुनिया को मास्क, सैनिटाइजर और गिलोय के पौधे भेंट किए। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर उपस्थित यात्रियों को मास्क भेंट कर कोरोना के प्रति जागरूक भी किया गया। इस मौके पर स्टेशन मास्टर हरफूल सिंह पुनिया, समाज सेवी व IIFL गोल्ड फाइनेंस के टेरिटरी मैनेजर वीरेंद्र लाटा के सानिध्य में पक्षियों हेतु परिंडे भी लगाए गए। इस अवसर पर रेल कर्मियों के साथ साथ भारी मात्रा में रेल यात्रीगण भी मौजूद थे। आज जो प्रोग्राम है, यहाँ जो समाज सेवा काम है, बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने यहाँ पर सैनिटाइजर, मास्क और पक्षियों के लिए परिंदे जो गर्मी में पानी के लिए, समाज सेवा के वजह से बहुत अच्छा काम है। बाबूलाल जी की कृपा से बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और ये आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे ही करें। भादरा के नवाब कायम खां मेमोरियल यूनानी चिकित्सालय में सोमवार को नवाब कायम खां के शहादत दिवस पर भादरा लाइफलाइन संस्था की ओर से पहला रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर रामपाल ब्लड बैंक जयपुर एवं विवेकानंद ब्लड बैंक भादरा की टीम ने 281 यूनिट रक्त का संग्रहण किया। इस अवसर पर शिविर में लाइफलाइन संस्था के पदाधिकारियों व नागरिकों के साथ साथ पूर्व पार्षद भंवर खां कायम खानी, PCC महासचिव शब्बीर हुसैन आदि भी मौजूद रहे। जो अभी भादरा लाइफ संस्था ने राजकीय यूनानी चिकित्सालय भादरा में ब्लड कैंप का आयोजन किया है, ये COVID-19 सेकेंड वेव को देखते हुए भादरा लाइफ संस्था ने सोचा और विचार किया कि हमें ब्लड कैंप लगाना चाहिए, जिसमें अभी तक 200 यूनिट ब्लड डोनेट हो चुका है और उसमें एक दर्जन करीब महिलाएं भी है। ये जयपुर की एक टीम है डॉक्टर रामपाल ब्लड बैंक से और दूसरी है विवेकानंद ब्लड बैंक भादरा से। भादरा लाइफ संस्था का और भादरा में पहला ही कैंप है जो मॉडर्न वर्ग लगा रहा है, उसमें मुस्लिम युवा ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और उत्साह भी है उन लोगों में, तो अल्लाह ने चाहा तो कम से कम 500 यूनिट तक पहुंचा देंगे हम लोग, टारगेट है हमारा 600। सरदार शहर में ऑटो चालक संघ ने 16 जून से किराया बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरदार शहर ऑटो चालक संघ ने आज उपखंड अधिकारी को अपने किराए वृद्धि की सूची देकर अवगत करवाया कि वर्तमान में पेट्रोल डीजल की दरों में बेतहाशा वृद्धि हुई है तथा ऑटो पार्ट्स एवं रिपेयरिंग आदि की दरों में भी काफी वृद्धि हो चुकी है। ऑटो टैक्सियों में आए दिन मरम्मत आती रहती है, उपरोक्त सभी कारणों से दरों में वृद्धि किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः ऑटो चालक संघ द्वारा सरदार शहर के सभी सदस्य टैक्सियों के विभिन्न रूट पर किराया बढ़ाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि सूची के अनुसार अब शहरवासियों को ऑटो में यात्रा करने के लिए दोगुना किराया देना पड़ेगा। ज्ञापन है, ये साफ दिया है कि एक तो तेल की बहुत ज्यादा कीमत बढ़ चुकी है और नई लिस्ट भारतीय मजदूर संघ ने काट दिया, कल से लागू हो जाएगी 16 तारीख से। और मैंने SDM साहब को ज्ञापन दिया कि हमारी सबसे ज्यादा ऑटो चालकों की मांग है कि नई से नई लिस्ट जारी की जाए। और मैंने इस प्रकार का किया कि सभी ऑटो चालकों को कम से जो तेल की मार है वो ज़्यादा झेल रही है।
बहुत ज़्यादा बढ़ती हो रही है। इस कारण ये ज्ञापन और नई लिस्ट की सचिव जारी करके 16 तारीख से कल सभी ऑटो चालकों को दी जाएगी। रतनगढ़ विधायक अभिनेश मैसी ने लंबे समय से बंद पड़े खाद्य सुरक्षा पोर्टल को शीघ्र शुरू करवाने की मांग को लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा। विधायक द्वारा लिखे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि कोरोना महामारी के चलते आम जन की आजीविका पूरी तरह से प्रभावित हुई है। सभी की आजीविका के संसाधन ठप पड़े हैं, जो कि चिंताजनक है। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा पोर्टल बंद होने के कारण पात्र व्यक्ति अभी भी खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित है। पत्र में मांग की गई है कि शीघ्र ही खाद्य सुरक्षा पोर्टल को फिर से शुरू करवाया जाए, ताकि जरूरतमंद लोग इस योजना का लाभ उठा सके। जिले में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज कोविड 19 टीकाकरण अभियान के तहत 18 से 44 वर्ष आयु तक के कुल 173 लोगों को कोरोना वायरस से बचाव का टीका लगाया गया। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर सावनवल वर्मा के निर्देशन में चूरू जिले में कोविड 19 टीकाकरण अभियान के तहत लगातार सफलता अर्जित की जा रही है, जिसे देखते हुए आज 173 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। वहीं रतनगढ़ क्षेत्र में कोरोना के संक्रमण में लगातार गिरावट देखने को मिली है। मंगलवार तक क्षेत्र में 19 केस ही एक्टिव हैं। बीसीएमओ डॉक्टर हेमंत माटोलिया के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र में 3,407 लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिनमें से 3,352 लोग रिकवर हो चुके हैं तथा 36 लोगों की मौत हो चुकी है। विभाग के अनुसार अब तक 23,909 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें शहरी क्षेत्र के 1,744 एवं ग्रामीण क्षेत्र के 1,662 लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे। रतनगढ़ क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से वैक्सीनेशन का कार्य ठप पड़ा है। वैक्सीन नहीं होने के अभाव में लोगों का टीकाकरण नहीं किया जा रहा है, जबकि प्रशासन वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता लाने का प्रयास कर रहा है। तहसील में अब तक 65,935 लोगों ने वैक्सीन ली है। बीसीएमओ डॉक्टर हेमंत माटोलिया के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार तहसील में 50,836 लोगों ने प्रथम एवं 11,414 लोगों ने द्वितीय डोज की वैक्सीन ले ली है, लेकिन शनिवार को राजकीय अस्पताल में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो जाने के कारण पिछले 4 दिनों से राजकीय अस्पताल में टीकाकरण का कार्य ठप पड़ा है। कोरोना के संक्रमण काल में रतनगढ़ व राजल देसर पुलिस अपने अपने क्षेत्रों में मुस्तैद दिखाई दी तथा नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटकर जुर्माना भी वसूला। बीते 2 माह में पुलिस ने 2,682 चालान काटकर 4,95,500 रुपए का राजस्व वसूल किया है। पुलिस थानों से मिली जानकारी के अनुसार मई माह में रतनगढ़ थाना अंतर्गत मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 475 वाहनों की सीज व चालान की कार्रवाई कर 85,000 रुपए का जुर्माना वसूला। वहीं महामारी एक्ट के तहत 1,500 वाहनों के चालान काटकर 2,12,000 रुपए का राजस्व प्राप्त किया। इसी प्रकार राजल देसर थाना अंतर्गत पुलिस ने 196 वाहनों के चालान काटे तथा 79 वाहनों को सीज कर 92,500 रुपए का राजस्व वसूल किया है।